हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं मैमलिया इन जनरल के अंदर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एडेप्टिव वर्डेशंस ऑफ मैमल्स। एडेप्टिव वर्डेशन क्या होती है, यानी कि जो भी एक स्पीसीज है, कोई भी, चाहे वो एनिमल की हो चाहे वो प्लांट्स की हो, कोई भी स्पीसीज हो गई, वो अपने अकॉर्डिंग या फिर अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, जिस फूड के ऊपर वो ईट कर रही है, जिस इन्वायरमेंट के अंदर वो रहती है, जिस सराउंडिंग के अंदर रहती है, कैसी सोइल है, उसके अकॉर्डिंग वो खुद को अडेप्ट कर लेती है। तो ऐसे एनिमल्स के अंदर, मैमल्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक एंसेस्टर से दूसरी स्पीसीज अडेप्ट होके इवोल्व हुई है या फिर फॉर्म हुई है, अडेप्टिव रेडिएशंस उन स्पीसीज ने शो की है। तो अडेप्टिव रेडिएशंस जो है क्लास मेमलिया के अंदर दो ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट होंगी। तो सबसे फर्स्ट अडेप्टिव रेडिएशंस जो होती है वो क्या होगी, ईच आइसोलेटेड रीजन इफ लार्ज एंड सफिशेंटली वेराइज इन टोपोग्राफी, सोइल, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। कोई भी एरिया होगा, अगर उसके अंदर टोपोग्राफी, सोइल, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन अलग अलग प्रेजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सोइल प्रेजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन है वहां पे, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी वहां पे फ्लोरा होगा, जो भी वहां पे एनिमल्स होंगे, जो भी स्पीसीज वहां पे फोना होगी या फिर फ्लोरा होगी, तो वो क्या होगी, इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इस हैबिटेट के अकॉर्डिंग, इस क्लाइमेट, टोपोग्राफी, सोइल, वेजिटेशन, इनके अकॉर्डिंग क्या होगा, वहाँ पे अलग अलग टाइप का फोना होगा। लाइक अगर हम बात करें कि यहाँ पे स्पीसीज जो है ये यहाँ पे एक टाइप की ग्रास होगी, यहाँ पे हर्ब्स प्रेजेंट है, यहाँ पे थोड़ी सी दूर हर्ब्स प्रेजेंट है, तो कोई स्पीसीज होगी जो इन ग्रासेस के ऊपर ईट करेगी, कोई हर्ब्स के ऊपर, कोई हर्ब्स के ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंग वो स्पीसीज क्या होगी, इस एक एरिया के अंदर अपने फूड के लिए, या फिर कोई स्पीसीज जो है वो किसी अलग एनवायरमेंट के अंदर रहेगी, कोई फ्लाई करेगी, कोई जो है वाटर के अंदर रहेगी, कोई जो है ट्रीज के ऊपर रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग वो स्पीसीज क्या कर लेगी, खुद को अडेप्ट कर लेगी, और इसको ही क्या बोलते हैं, अडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर हम बात करें, ये एक रीजन है, इसके अंदर ना सबसे पहले एक स्पीसीज होती थी, इस ये स्पीसीज जो है हमने मान लिया कि ये एक इस फ्रूट के ऊपर, इस ए नाम के फ्रूट के ऊपर ईट करती थी, ये स्पीसीज वन थी और ये ए नाम के फ्रूट के ऊपर ईट करती थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है, यहाँ पे दूसरे टाइप के फ्रूट्स थे, फ्रूट बी। अब कुछ मेंबर्स जो है वो इस स्पीसीज के इस एरिया के अंदर मूव कर गए, कुछ यहाँ पे प्रेजेंट थे, वेट एवर हम फूड कोई भी मान ले, यहाँ पे सी टाइप का फूड प्रेजेंट था, तो कुछ मेंबर्स जो है यहाँ पे मूव कर गए, यहाँ पे डी टाइप का फूड था, यहाँ पे ई टाइप का फूड था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये अलग अलग जगह पे इस एक स्पीसीज, ये एक स्पीसीज जो है वो मूव कर गई है। अब यहाँ पे रहने के बाद अब इस एरिया का क्या है, अलग एनवायरनमेंट होगा, यानी कि अलग यहाँ पे टोपोग्राफी होगी, अलग सोइल होगी, अलग क्लाइमेट होगा, अलग वेजिटेशन होगी, उसके अकॉर्डिंग इस स्पीसीज से जो मेंबर्स निकले थे वो क्या करेंगे, खुद को अडेप्ट कर लेंगे इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर जो यहाँ पे एनिमल्स आए थे वो क्या कर लेंगे, खुद को उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग या फिर उस फूड के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेंगे। जैसे फेमस एग्जाम्पल हम डार्विन फिंचेस का लेते हैं, डार्विन फिंचेस के अंदर क्या होता है, अलग अलग टाइप की फूड हैबिट होती है उनकी, जिसकी वजह से उनकी बीक जो है अलग अलग डिवेलप हो जाती है। तो वैसे ही स्पीसीज एक थी, अलग अलग एरियाज के अंदर रहना इसने स्टार्ट कर दिया, उसकी वजह से इस एनवायरमेंट यानी इनके रिस्पेक्टिव एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ये ढल गई, अडेप्ट कर लिया। तो इस हम बोल सकते हैं, इस एक वन स्पीसीज से ये वन ए बनी, वन बी बनी, वन सी बनी, वन डी बनी, वन ई बनी एंड सो ऑन। एक स्पीसीज से क्या हुआ, ये स्पीसीज रेडिएट हुई है, ये स्पीसीज बनी है वहीं से। तो आइसोलेटेड रीजन के अंदर अगर सफिशेंटली टोपोग्राफी वैरायटी प्रेजेंट है, टोपोग्राफी, सोइल, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन के अंदर, तो वो डाइवर्स फोना जो है गिव राइज कर सकती है। इसके बाद लार्जर द रीजन, जितना बड़ा रीजन होगा,
अब जी एक हम बात करें कि इस छोटा रीजन की, एक हम बात करें कि ये बड़ा रीजन है। अब इस छोटे रीजन के अंदर, इस रीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होंगी, टोपोग्राफी होगी, सोइल होगी, फोना होगा, फ्लोरा होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसकी स्पीसीज के अंदर भी कम वेराइटी होगी। लेकिन अगर एरिया जो है लार्जर है, लार्जर द एरिया, मोर डाइवर्सिटी यहाँ पे मिलेगी, डाइवर्सिटी भी क्या होगी, ग्रेटर होगी, एंड ग्रेटर विल बी द वेराइटीज ऑफ एनिमल फाउंड। क्योंकि ज्यादा ज्यादा जब चीजें मिलेंगी तो ज्यादा एनिमल्स उन फूड के ऊपर, उन हैबिटेट्स के ऊपर एक जो है अपने आप को अडेप्ट करेंगे, तो वहां पे वेराइटीज भी ज्यादा मिलेंगी। तो लार्जर द रीजन, जितना बड़ा रीजन होगा डाइवर्सिटी भी उतनी होगी। अब छोटे से रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या पता सोयल भी एक ही टाइप की प्रेजेंट हो, दो टाइप की प्रेजेंट हो, तो लेकिन इसकी अगर हम बात करें लार्जर एरिया की, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सोयल के टाइप प्रेजेंट हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट हो सकता है, वेजिटेशन हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो फोना है वो भी क्या होगा, मोर डाइवर्स होगा, ज्यादा डाइवर्स यहाँ पे मिलेगा, मोर डाइवर्स। तो ग्रेटर द रीजन, मोर डाइवर्स द कंडीशन, ग्रेटर विल बी द वेराइटीज ऑफ द एनिमल फाउंड, और ग्रेटर विल बी द वेराइटीज ऑफ फोना फाउंड, उतनी ही ज्यादा वहां पे एनिमल्स की वेराइटी मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सो अडेप्टिव रेडिएशन इज द इवोल्यूशन। तो ये जो अडेप्टिव रेडिएशन है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इवोल्यूशन है एक टाइप का। इवोल्यूशन क्या होता है, एक स्पीसीज से अलग अलग स्पीसीज का डाइवर्स होना या फिर बनना, फॉर्मेशन होना, अलग अलग स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पीसीज की फॉर्मेशन कैसे होती है। इन सेवरल स्पेशलाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन जनरल एंसिस्टर, एक कॉमन जनरल एंसिस्टर था। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल की बात की थी, एक एरिया के अंदर एक वन नाम की स्पीसीज थी जो कि एक उस एरिया के अंदर एक टाइप के फूड के ऊपर ईट कर रही थी। अब अलग अलग स्पीसीज उससे क्या हुई थी, वन ए हो गई, वन बी हो गई, वन सी हो गई, वन डी हो गई, वो उससे स्पीसीज डाइवर्स हुई थी, उससे स्पीसीज क्या बनी थी, वो अलग अलग स्पीसीज उससे फॉर्म हुई थी। तो एक कॉमन जनरल एंसिस्टर से ये स्पीसीज जो है इवोल्व हुई है एक स्पेशलाइज डायरेक्शन के अंदर। अडेप्टिव रेडिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा जो अडेप्टिव रेडिएशन होती है, अभी हमने बोल दिया कि कॉमन जनरल एंसिस्टर होगा, एंड होमोलोगस ऑर्गन्स के अंदर हम देखें, होमोलोगस यानी कि इनके अंदर क्या होता है, ओ फॉर ओरिजिन हो गया, और ओरिजिन कैसा है, होमो है, यानी कि इनके अंदर होता है सेम ओरिजिन और सिमिलर ओरिजिन, लेकिन इनके अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटी होती है। फंक्शंस कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के इनके अंदर फंक्शंस प्रेजेंट होंगे। फंक्शंस क्या होंगे, यहाँ पे डिफरेंट होंगे। तो होमोलोगस ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है, सेम ओरिजिन होता है एंड डिफरेंट फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करती है, होमोलोगस, जैसे कि ये जो स्पीसीज थी वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट थी। अब ये अलग स्पीसीज जो डाइवर्स हुई है, इन स्पीसीज ने स्ट्रक्चर्स फूड के अकॉर्डिंग हो गया, अपनी हैबिटेट के अकॉर्डिंग हो गया, या फिर इनकी जो अलग अलग इनकी हैबिट्स है उनके अकॉर्डिंग हो गया, तो ये क्या कर लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो है अडेप्ट कर लेंगे। तो ये जो है होमोलोगस रेडिएशंस जो है होमोलोगस स्ट्रक्चर्स जो है फॉर्म करते हैं ऑफ एन एंसिस्टर, एक एंसिस्टर से इनटू डाइवर्स स्ट्रक्चर्स सर्विंग डिफरेंट फंक्शंस इन डिसेंडेंट्स। अब अगर हम बात करें, ये जो कॉमन एंसिस्टर था, जो ये वन कॉमन एंसिस्टर था, इसके अंदर ये क्या कर रहा था, ये एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, लेकिन इससे जो स्पीसीज डाइवर्स हुई है, इवोल्व हुई है, फॉर्म हुई है, वो इन स्ट्रक्चर्स का डिफरेंट तरीके से यूज करती हैं। डिफरेंट तरीके से क्यों यूज करेगी, ड्यू टू अडेप्टेशन। वो अडेप्टेशन इनकी फूड की हो सकती है, वो अडेप्टेशन इनकी हैबिटेट की हो सकती है, तो उस अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग ये क्या कर लेंगी, डाइवर्स स्ट्रक्चर्स जो है वो फॉर्म कर लेंगी, जो कि डाइवर्स फंक्शंस जो है डिसेंडेंट्स के अंदर परफॉर्म करेंगे। ये जो इनसे स्पीसीज बन रही है ये क्या इनके डिसेंडेंट्स है, डिफरेंट डिफरेंट डिसेंडेंट्स है। तो ये हो गया अडेप्टिव रेडिएशन, जिसके अंदर हमने देखा कि
मैमल्स के अंदर एक कॉमन एंसेस्ट्रल स्पीसीज से डिफरेंट स्पीसीज अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स हैबिटेट डाइट फूड उसके अकॉर्डिंग क्या होती है वो डाइवर्स होती है, इवोल्व होता है एक स्पेशलाइज डायरेक्शन के अंदर और वो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स जो है फॉर्म करती है और ये एक कॉमन जो है एक जनरल एंसेस्टर से ही क्या होती है राइज होती है और स्टार्ट होती है। अब अगर अडेप्टिव रेडिएशन क्लास मेमलिया के अंदर देखें, क्लास मेमलिया के अंदर मेमलिया के क्लास की क्लासिफिकेशन क्या होती है, सब क्लास प्रोटोथीरिया, सब क्लास थीरिया। इस सब क्लास प्रोटोथीरिया के अंदर एक ही ऑर्डर होता है, सिर्फ एक ही ऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं मोनोट्रीमेटा। एंड जो सब क्लास थीरिया है इसके अंदर इंफ्रा क्लास प्रेजेंट होती है मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। इस मेटाथीरिया के अंदर मार्सुपीलिया रीजन मार्सुपीलिया ऑर्डर होता है एंड इंफ्रा क्लास यूथीरिया के अंदर 16 ऑर्डर्स प्रेजेंट होती है। इसके अंदर 16 डिफरेंट ऑर्डर्स जो है वो प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्लास मेमलिया की, क्लास मेमलिया के अंदर इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया एंड इंफ्रा क्लास यूथीरिया, सिर्फ इन दो इंफ्रा क्लासेस के अंदर अडेप्टिव रेडिएशंस देखी जाती है, इसके अंदर एब्सेंट होगी। मेटाथीरिया एंड यूथीरिया के अंदर क्या होगी, अडेप्टिव रेडिएशन प्रेजेंट होती है। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे मेटाथीरियंस के अंदर अडेप्टिव रेडिएशंस कैसे होती है, अडेप्टिव रेडिएशन इन मेटाथीरियंस। इनके अंदर अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट के अकॉर्डिंग ये अलग अलग जो है अपने अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो है अलग अलग हैबिट जो है डेवलप कर लेंगी और ये अडेप्टिव रेडिएशंस इनके अंदर प्रेजेंट होगी। अब इसके अंदर सबसे फर्स्ट होता क्या है, सबसे फर्स्ट जो है एक कॉमन एंसेस्टर था जो रहता था ऑस्ट्रेलिया के अंदर और इसको बोला जाता था मार्सुपियल्स। मेटाथीरियंस को सबसे फर्स्ट मार्सुपियल्स बोला जाता था। तो ये क्या करते, इनके अंदर रेडिएशंस जो है स्पेशलाइज डायरेक्शन के अंदर हुई, यानी कि अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, हैबिटेट के अकॉर्डिंग इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है अडेप्टिव रेडिएशन स्टडी की गई। जैसे कि इनके अंदर कंगारू, इनके अंदर थाइलासिनस मोल हो गया, वोमबैट हो गया, माउस हो गया, एंटीटर हो गया, फ्लाइंग फ्लेंजर हो गया, या फिर फेस्कोलरेक्टोस हो गया, या फिर नेटिव कैट हो गई। ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जो रेडिएशंस हैं ऑब्जर्व की गई। जैसे कि इनके अंदर क्या होता है, कर्सोरियल मेटाथीरियंस होते हैं, फुजोरियल होते हैं, एर्बोरियल होते हैं, फ्लाइंग होते हैं, इक्वेटिक होते हैं। और इसके अलावा डाइट के ऊपर अगर हम बात करें तो ये कार्निवोर्स एंड एंटीटर दो टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट एक मार्सुपियल एंसेस्टर इनके अंदर प्रेजेंट था और उसने क्या किया, 5 टाइप की अलग अलग रेडिएशंस अडेप्टिव रेडिएशंस शो की एंड डाइट के अकॉर्डिंग 2 टाइप की रेडिएशंस शो करता है। तो सबसे फर्स्ट है, अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करें, सबसे फर्स्ट है कर्सोरियल मेटाथेरियंस। कर्सोरियल मेटाथेरियंस क्या होते हैं, फास्ट रनिंग के लिए अडेप्टिड होते हैं, फास्ट रनिंग करते हैं ये। तो ये क्या होंगे, ये होंगे टेरिस्ट्रियल, हैव शॉर्ट फोर लिम्स। इनके अंदर जो फोर लिम्स है वो शॉर्ट है, फोर लिम्स शॉर्ट है, लेकिन हाइंड लिम्स क्या है, हाइंड लिम्स इनके अंदर लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स आर यूज फॉर लिपिंग, लिपिंग के लिए हाइंड लिम्स यूज किए जाते हैं, यानी कि उछलने के लिए कूदने के लिए इनके अंदर यूज किए जाते हैं। जैसे कि कंगारू है वो क्या करता है, ऐसे उछल उछल के लिपिंग करके चलता है, तो ये जो हाइंड लिम्स है वो इसके अंदर हेल्प करती है। डिग होल्स इन सर्च ऑफ वाटर, इनकी एक हैबिट होती है कि ये गड्ढे खोदते हैं पानी की सर्च के लिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कंगारू हो गया या फिर वेलाबीज हो गया, कंगारू तो ये हो गया और ये हो गया वेलाबीज। वेलाबीज और कंगारू के अंदर डिफरेंस क्या होता है, मेन डिफरेंस होता है इनके साइज के अंदर, मेन डिफरेंस इनके साइज के अंदर होता है। कंगारू का साइज जो है ये क्या होता है, लार्ज होता है, और वेलाबीज का साइज जो होता है ये कैसा होता है, स्मॉल होता है या फिर शॉर्ट होता है। तो ये मेन डिफरेंस जो है कंगारू एंड वेलाबीज के अंदर प्रेजेंट होता है। तो सबसे फर्स्ट टाइप की जो रेडिएशन है वह कर्सोरियल, यानी कि सबसे फर्स्ट क्या थे, मार्सुपियल्स थे, मार्सुपियल्स थे जिनसे क्या बना है, कर्सोरियल मेटाथेरियंस बना है, सबसे फर्स्ट इसकी अडेप्टिव रेडिएशंस।
अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट टाइप की है फुजोरियल मेटाथेरियंस। फुजोरियल है तो ये बर्रोइंग, यहाँ पे बर्रोइंग आएगा। ये क्या होते हैं, बर्रोइंग के लिए अडेप्टेड होते हैं, बर्रोइंग के लिए अडेप्टेड होंगे, लार्ज साइज हेविली ब्लीट होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं ये, एंड ये हर्बीवोर्स होते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये रात के टाइम ही अपनी एक्टिविटी शो करेंगे। हेड इज शॉर्ट एंड फ्लैटेंड, हेड शॉर्ट होगा और इनका फ्लैट होता है, एंड लिम्स जो है वो शॉर्ट होते हैं, लिम्स इनके अंदर शॉर्ट होते हैं, और इनके अंदर जो क्लोज होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं, लाइक इस स्ट्रक्चर के अंदर दिखाया हुआ है, तो इनके अंदर कैसे होते हैं, स्ट्रोंग क्लोज प्रेजेंट होते हैं। टेल जो है इसके अंदर शॉर्ट होती है। एग्जाम्पल की अगर देखें तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है वोम्बेट का, जिसको बोलते हैं फेजोक्लिम्स। तो ये हो गया फुजोरियल मेटाथेरियंस। तो ये क्या थे, सेकेंड टाइप की अडेप्टिव रेडिएशन थी मेटाथेरियंस के अंदर। नेक्स्ट है नंबर थर्ड, एर्बोरियल मेटाथेरियंस। एर्बोरियल है तो ये क्या करेंगे, ट्रीज के ऊपर रहेंगे, जैसे ये जो हमें दिखा रखी है, क्या है, ट्रीज के ऊपर, अडेप्टेड टू लिव ऑन ट्रीज, ये ट्रीज के ऊपर रहते हैं। लॉन्ग प्रीहेंसाइल टेल इनके अंदर प्रेजेंट होती है, इनकी टेल जो है लॉन्ग होती है और वो सेंसिटिव होती है। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल होगा इसके अंदर डाइडेल्फिस, जिसको ओपोसम बोलते हैं। लेकिन कुछ के अंदर टेल जो है वो वेस्टिजियल भी होती है, टेल जो है वेस्टिजियल भी हो सकती है। चिक पाउच यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये मोनोफेगस होते हैं, मोनोफेगस, मोनो यानी कि सिंगल। तो ये क्या होते हैं, ये सिंगल फूड के ऊपर अडेप्टेड होते हैं, सिंगल फूड के लिए अडेप्टेड होते हैं। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे फेस्कोकोला रेक्टोस जो है, ये क्या करता है फेस्कोकोला रेक्टोस, ये यूक्लिप्टस, जो यूक्लिप्टस के लीव्स होते हैं, यूक्लिप्टस के लीव्स होते हैं उनके ऊपर ईट करता है। और ये हाईली, जो ये स्पीसीज होती है वो कैसी होती है, स्पेसिफिक स्पीसीज होती है, स्पेसिफिक स्पीसीज। स्पीसीज जो है दो टाइप की होती है, एक होती है जनरल स्पीसीज, एक होती है स्पेसिफिक स्पीसीज। स्पेसिफिक का मीनिंग हो गया कि वो किसी भी, जनरल का मीनिंग होगा कि वो किसी भी टाइप के फूड के ऊपर ईट कर सकती है, किसी कोई भी फूड मिल जाए वो वही खा लेगी। लेकिन स्पेसिफिक होता है जो सिर्फ एक टाइप के फूड के ऊपर ईट करेगी, उसके अलावा किसी फूड के ऊपर ईट नहीं करेगी। लाइक यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल होगा यहाँ पे फेस्कोकोला रेक्टोस का, ये क्या है, यूक्लिप्टस लीव्स के ऊपर ईट करता है। तो ये स्पीसीज जो है वो स्पेसिफिक स्पीसीज होती है, ये सिर्फ यूक्लिप्टस लीव्स के ऊपर ही ईट करेगी। तो अगर हम स्पेसिफिक स्पीसीज की जो चांसेस की बात करें सर्वाइवल की, तो वो कम होते हैं क्योंकि फूड्स भी स्पेसिफिक होती है। तो ये हो गया एर्बोरियल मेटाथेरियंस जो कि है नंबर थर्ड। नंबर फोर्थ टाइप की जो अगर हम बात करें, नंबर फोर्थ टाइप की रेडिएशन की, नंबर फोर्थ टाइप की है फ्लाइंग मेटाथेरियंस। तो ये अडेप्टेड होते हैं फ्लाइंग इन द एयर, लेटरल फोल्ड्स ऑफ स्किन बिटवीन फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। ये इसका फोर लिम हो गया, ये इसका हाइंड लिम हो गया, इनके बीच में लेटरल फोल्ड प्रेजेंट होते हैं स्किन के, ये एक्सपेंडेड कर रखा है फोर लिम, हाइंड लिम, और इसके बीच में जो प्रेजेंट है ये क्या हो गया यहाँ पे, लेटरल फोल्ड हो गया। ये जो फोल्ड है ये इसको इनेबल करता है टू ग्लाइड, ग्लाइडिंग के लिए क्या करता है, इसको इनेबल करता है, इन फोल्ड्स की वजह से ही क्या कर सकती है, ग्लाइड कर सकती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, फ्लाइंग फेलेंजेस होती है जिसको पेटारोस बोलते हैं, तो ये क्या करती है, ये फ्लाइंग मेटाथेरियंस होते हैं, नंबर फोर्थ टाइप की अडेप्टिव रेडिएशंस मार्सुपियल्स के अंदर। नेक्स्ट है नंबर फिफ्थ टाइप की एक्वेटिक मेटाथेरियंस। एक्वेटिक मेटाथेरियंस जो होते हैं, यानी कि ये कैसे, कहाँ पे रहेंगे, ये वाटर के अंदर रहेंगे, अडेप्टेड टू लिव इन वाटर। तो इस वजह से ये एक्वायर कर लेते हैं वेब्ड फीट टू लिव इन वाटर, वाटर के अंदर रहने के लिए ये अपने फीट जो है वो क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, ऐसे फीट जो इनके वेब्ड फीट होते हैं, इनके फीट जो है वेब्ड फीट होंगे। तो एक टाइप की अडेप्टेशन होगी वाटर के अंदर रहने के लिए, और ये जो वेब्ड फीट है वो हेल्प करते हैं इनको स्विमिंग के अंदर।
काइरोनेक्टस इसका एग्जाम्पल हो गया, वाटर ऑपासम जिसको हम बोलते हैं। तो ये फाइव टाइप की अडेप्टेशन हमने देख ली मेटाथेरियंस के अंदर। या फिर सबसे फर्स्ट क्या था, सबसे फर्स्ट जो था एक यहाँ पे मार्सुपियल था, उसने क्या की डिफरेंट डिफरेंट फाइव टाइप की स्पीसीज जो है गिव राइज की, रेडिएशंस जो है एडेप्टिव रेडिएशन गिव राइज की, जो हमने डिस्कस कर लिया कर्सोरियल था, फुजोरियल था, एक्वेटिक था, फ्लाइंग था, एर्बोरियल था। तो ये हो गए यहाँ पे हैबिटेट के बेस पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें अडेप्टिव रेडिएशन इन मेटाथेरियंस बेस्ड ऑन डाइट, डाइट के बेस पे कि कैसा वो फूड ईट करते हैं, तो ये कार्निवोर्स हो सकते हैं, ये एंट ईटर हो सकते हैं। कार्निवोर्स के अंदर अगर हम बात करें, सम मार्सुपियल्स बिकम कार्निवोर्स, कुछ कार्निवोर्स बन गए थे जिनके अंदर रूडिमेंट्री पोलेक्स होता है, रूडिमेंट्री पोलेक्स एंड स्मॉल क्लोलेस हलेक्स इनके अंदर प्रेजेंट होता है। पोलेक्स होता है थंब, जो कि हैंड का थंब होता है, एंड हलेक्स होता है जो कि पैर का थंब होता है। ठीक है, तो इनके अंदर रूडिमेंट्री पोलेक्स होता है और स्मॉल क्लोलेस हलेक्स इनके अंदर प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर टेरिस्टियल, मोस्ट ऑफ ये टेरिस्टियल होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ये एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे थाइलासिनस का। सेकेंड टाइप की डाइट के ऊपर अडेप्टेशन है एंट ईटर मेटाथेरियंस। ये क्या करते हैं, एंट ईटिंग पाउचलेस स्मॉल रैट लाइक एनिमल्स होते हैं, बिल्कुल स्मॉल रैट लाइक एनिमल्स होते हैं, करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ ब्लैक बैंड्स। इनके अंदर ब्लैक बैंड्स प्रेजेंट होते हैं अक्रॉस द लुम्बर एंड सैक्रल रीजन। जो बैक के पीछे का रीजन होता है वो कौन सा होता है, लुम्बर एंड सैक्रल। लुम्बर हो गया, नेक्स्ट सैक्रल हो जाएगा। तो इन रीजन्स के अंदर ये क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे ब्लैक बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये इन स्पीसीज के अंदर करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। एग्जाम्पल की ये एग्जाम्पल होगा यहाँ पे मायरामेकोबियस का। तो ये होगी अडेप्टिव रेडिएशंस ऑन द बेसिस ऑफ डाइट, डाइट के बेस पे मेटाथेरियंस की। तो मेटाथेरियंस के अंदर फाइव टाइप की जो अडेप्टिव रेडिएशन है वो हमने डिस्कस कर ली हैबिटेट के बेस के ऊपर, एंड जो फूड के बेस के ऊपर है वो टू टाइप की अडेप्टेशंस जो है डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट टाइप की इंफ्रा क्लास जो थी इसके अंदर यूथीरिया। तो नेक्स्ट है अडेप्टिव रेडिएशंस इन यूथेरियंस। यूथेरियंस की अगर हम बात करें, जैसे कि मार्सुपियल्स के अंदर सबसे फर्स्ट एंसिस्ट्रल स्पीसीज थी मार्सुपियल थे, जो कि अफ्रीका या अमेरिका में रहते थे। इनके अंदर इंसेक्टिवोर्स था, जो इनके अंदर एंसिस्टर था, सबसे फर्स्ट जो एंसिस्ट्रल स्पीसीज थी वो क्या थे, यहाँ पे इंसेक्टिवोर्स थी, इंसेक्टिवोर्स वोर्स था ये, एंड फाइव टोड थे इसके, शॉर्ट लेग था ये, दैट वॉक्ड विद द सोल्स ऑफ देयर फीट। अगर ये बात करें, ये फीट हो गया, तो इसके यहाँ का ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, सोल हो गया। इसका जो नीचे का ये स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, सोल हो गया। तो उस सोल की हेल्प से क्या करते हैं, वॉक करते थे। तो इंसेक्टिवोर्स थे, फाइव टोड थे, शॉर्ट लेग थे, वॉक्ड विद द हेल्प ऑफ सोल्स ऑफ देयर फीट। फीट की सोल जो होती है उसकी हेल्प से ही क्या करते थे, चलते थे। दीज आर मॉडिफाइड इन डाइवर्स ग्रुप। तो इस वजह से ये डाइवर्स ग्रुप्स के अंदर भी क्या हो गए, क्योंकि एक एंसिस्टर स्पीसीज थी और ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग डाइवर्स ग्रुप्स के अंदर क्या हो गए, यहाँ पे ये मॉडिफाई हो गए। तो अगर हम डाइवर्स ग्रुप्स की बात करें, तो यूथेरियंस के अंदर फाइव टाइप के डिफरेंट हैबिटेट्स के बेस के ऊपर, एर्बोरियल हो सकता है, एक्वेटिक, फुजोरियल, एरियल एंड कजोरियल, ये टाइप की यहाँ पे क्या हो सकती है, अडेप्टिव रेडिएशंस प्रेजेंट होती है। अगर कजोरियल की बात करें, तो कजोरियल वो होंगे जो कि लैंड के ऊपर, या फिर टेरिस्टियल होंगे, और टेरिस्टियल होंगे तो या तो ये रन कर सकते हैं या तो ये वॉक कर सकते हैं। ये भी दो टाइप की अडेप्टेशन के अंदर प्रेजेंट होगी। तो सबसे फर्स्ट क्या था यहाँ पे, यहाँ पे एक ये एंसिस्टर स्पीसीज थी, वॉकिंग एंसिस्ट्रल प्रिमिटिव इंसेक्टिवोर्स था, जो कि फाइव टोड थे, जो कि सोल की हेल्प से चलता था। ऐसे इसके फाइव टोड यहाँ पे ऐसे थे, और इन फाइव टोड्स के नीचे जो सोल था उनकी हेल्प से क्या करता था, चलता था। अब इनके अंदर अडेप्टिव रेडिएशन आई, ये फ्लाइंग करने लगे, एयरबोरियल क्लाइंबिंग करने लगे, लीपिंग करने लगे, स्विमिंग करने लगे, रनिंग करने लगे, फुजोरियल और बर्रोइंग करने लगे, वॉकिंग करने लगे, एयरबोरियल ग्लाइडिंग करने लगे, हैंगिंग करने लगे। ये डिफरेंट टाइप की रेडिएशन इनके अंदर देखी गई। तो सबसे फर्स्ट रेडिएशन की अगर हम बात करें,
यूथेरियंस के अंदर एर्बोरियल यूथेरियंस, एर्बोरियल यूथेरियंस जो है ये अडेप्टेड होते हैं हैंग्स ऑन ट्रीज, एर्बोरियल यानी कि जो अडेप्टेड होते हैं टू लिव ऑन ट्रीज, तो ये क्या करते हैं हैंग करते हैं ट्रीज के ऊपर। इलोंगेटेड फ्लेक्सीबल लिम्स होते हैं विद लॉन्ग टोज, टोज जो होते हैं इनके लॉन्ग होते हैं, मेनली फंगीवोरस होते हैं एंड हैव बोनोडोंट टाइप ऑफ चिक टीथ। बोनोडोंट टाइप चिक टीथ ये जो है हम डिस्कस करेंगे डेंटिशन इन मैमल्स के अंदर, जो हम डिस्कस करेंगे डेंटिशन उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ जो है वो कौन से होती है एंड चिक टीथ कौन से होती है। लॉन्ग प्रीहेंसाइल टेल इसके अंदर प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें स्क्रैल हो गई, प्राइमेट्स हो गई, ये होते हैं एर्बोरियल यूथेरियंस। तो यूथेरियंस के अंदर सबसे फर्स्ट हैबिटेट के बेस के ऊपर एर्बोरियल हो गया, सेकेंड एक्वेटिक हो गया। एक्वेटिक क्या होंगे जो कि वाटर के अंदर रहेंगे, जो कि अडेप्टेड होंगे पानी में रहने के लिए। एक्वायर जिसकी वजह से ये क्या कर लेंगे, एक्वायर पैडल लाइक लिम्स, पैडल लाइक लिम्स, ये पैडल लाइक लिम्स ये एक्वायर कर लेंगे टू स्विम इन वाटर, वाटर के अंदर स्विम करने के लिए। हैव होमोडोंट डेंटिशन, होमोडोंट डेंटिशन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। होमो यानी कि सेम, डोंट यानी कि टीथ, यानी इनके अंदर क्या होता है सेम टाइप के टीथ जो है या फिर जोज जो है वो प्रेजेंट होती है। सम टीथ आर रिप्लेस्ड बाई प्लेट्स, कुछ टीथ जो है प्लेट्स के थ्रू रिप्लेस कर दिए जाते हैं और इन प्लेट्स को बलीन प्लेट्स बोला जाता है, जो कि हम अपकमिंग जो वीडियो होगी डेंटिशन वाले में उसमें डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए वेल हो गई, वेल हो गई, सील हो गई या फिर डॉल्फिन्स हो गई, ये क्या होते हैं एक्वेटिक यूथेरियंस की अंदर आते हैं। तो ये सेकंड टाइप का यूथेरियंस के अंदर अडेप्टिव रेडिएशन हो गई। थर्ड टाइप हो गया फजोरियल यूथेरियंस। फजोरियल क्या होंगे, बरोइंग मैमल्स होंगे, बरो करने के लिए अडेप्टेड होंगे। हाउ शॉर्ट एंड स्टाउट लिम्स, इनके लिम्स जो है शॉर्ट होंगे एंड स्टाउट होंगे। अगर इनके लिम्स देखें तो ये शॉर्ट है बिल्कुल एंड स्टाउट है। लॉन्ग एंड शार्प क्लोज, इनके क्लोज जो है वो लॉन्ग है एंड कैसे है यहाँ पे शार्प है। टीथ वेरीज अकॉर्डिंग टू डाइट, जैसे इनकी डाइट होती है उसके अकॉर्डिंग इनके टीथ होते हैं। पिन एंड आईज आर शॉर्ट, इसका आई का अगर हम देखें बिल्कुल एक स्पॉट प्रेजेंट है, तो इसकी आईज और जो पीना होता है इसका ईयर का वो क्या होते हैं बिल्कुल शॉर्ट होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें मोल हो गया और कुछ रोडेंट्स होते हैं जो कि फजोरियल यूथेरियंस के अंडर आते हैं। तो ये थर्ड टाइप की रेडिएशन हो गई। फोर्थ है एरियल यूथेरियंस, यानी कि ये अडेप्टेड होते हैं फ्लाइंग के लिए। हैव टैजिया बिटवीन फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, ये यहाँ पे इसका फोर लिम्ब हो गया, यानी कि पूरा फोर लिम्ब हो गया और ये हाइंड लिम्ब हो गया। अब इनके बीच में जो मेम्ब्रेनस फोल्ड प्रेजेंट होता है, यानी कि इनका जो ये विंग होता है उसको टैजिया बोलते हैं। फोर लिम्स मोडिफाई इनटू विंग लाइक स्ट्रक्चर, इनका जो फोर लिम्ब है वो विंग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, ये विंग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो गया है अडेप्ट हो गया है, मोडिफाई हो गया है। शो वेरिएबल चॉइसेस ऑफ फूड, और फूड की वेरिएबल चॉइसेस जो है ये शो करते हैं। एग्जांपल के लिए बैट्स हो गई, फ्लाइंग स्क्रेल हो गई या फिर फ्लाइंग फ्लिंजर्स हो गई, ये एग्जाम्पल होते हैं एरियल यूथेरियंस की। नंबर फिफ्थ टाइप की हो गई यहाँ पे कर्सोरियल यूथेरियंस, जो क्या होते हैं अडेप्टेड टू रन ऑन लैंड, टेरिस्ट्रियल हैबिटेट के लिए अडेप्टेड होते हैं। अब ये जो है रनिंग भी कर सकते हैं और ये वॉकिंग भी कर सकते हैं। अगर ये रनिंग करेंगे तो ये हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं, ये कार्निवोर्स भी हो सकते हैं। हर्बीवोर्स है तो इलोंगेटेड लिम्स होंगे, लॉन्ग टोज होंगे एंड हुफ्स इनके अंदर प्रेजेंट होंगे। चिक टीथ आर ऑफ सेलिनोडोंट टाइप, सेलिनोडोंट टाइप के चिक टीथ इनके अंदर प्रेजेंट होंगे। काउ डियर इसका एग्जाम्पल हो गया। कार्निवोर्स के अंदर इलोंगेटेड लिम्स होते हैं विद क्लोज, क्लोज इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। केनाइंस आर लार्जर, टीथ की अगर बात करें इनके अंदर जो केनाइन टीथ होते हैं वो क्या होते हैं केनाइन पेयर लार्जर होगा। एंड सीकोडोंट टाइप ऑफ चिक टीथ इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल डॉग, चीता, ये हो गया एग्जाम्पल कार्निवोर्स के। नेक्स्ट हमने बात की थी कि एक हो गई रनिंग और एक हो जाएगी इसके अंदर वॉकिंग। वॉकिंग के अंदर हर्बीवोर्स होंगे ये। लिम्स जो है इनके पिलर लाइक लिम्स होंगे,
पिलर लाइक लिम्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मोलर्स आर ऑफ लार्ज साइज, मोलर्स जो होंगे लार्ज साइज के होंगे, एंड चिक टीथ आर ऑफ लोफोडोन टाइप, लोफोडोन टाइप के चिक टीथ इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल हो गया एलिफेंट। ये जो भी हम टीथ के टाइप की बात कर रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इसके अंदर एग्जाम्पल हो जाएगा वॉकिंग। तो इसके अंदर जो कर्सोरियल होंगे वो दो टाइप के होंगे, या तो वो रनिंग शो कर सकते हैं या तो वो वॉकिंग शो कर सकते हैं। और रनिंग है या तो वो हो सकते हैं हर्बीवोर्स या तो वो हो सकते हैं कार्निवोर्स। तो ये होगी अडेप्टिव रेडिएशंस यूथेरियंस की। तो हमने मेटाथेरियंस की अडेप्टिव रेडिएशन डिस्कस कर ली, यूथेरियंस की अडेप्टिव रेडिएशंस डिस्कस कर ली है। तो अडेप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स आर बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ लिविंग, उनका मोड ऑफ लिविंग कैसा है, कौन सी हैबिटेट के अंदर वो रहते हैं, कौन सी डाइट वो ईट करते हैं या फिर फूड वो ईट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है इनका, इनके अंदर अडेप्टिव रेडिएशंस प्रेजेंट होती है। सो इट लीड्स टू डाइवर्स लिंब स्ट्रक्चर। तो जिस भी हैबिटेट के अकॉर्डिंग ये रहते हैं, जैसे कि किसी को बरों खोदनी है तो वो जो है उसके क्लोज जो है स्ट्रोंग होंगे, शार्प होंगे, किसी के शॉर्ट होंगे, स्टाउट होंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिंब स्ट्रक्चर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। किसी के पिलर लाइक होते हैं, किसी के अंदर हुफ्स प्रेजेंट होते हैं। तो डाइवर्स लिंब स्ट्रक्चर्स होंगे एंड मोड ऑफ फीडिंग, मोड ऑफ फीडिंग क्या होगी उनकी, डाइवर्स होगी। तो अडेप्टिव रेडिएशंस की वजह से लिंब स्ट्रक्चर के अंदर डाइवर्सिटी आएगी एंड मोड ऑफ फीडिंग के अंदर डाइवर्सिटी आएगी। यानी जिस भी इन्वायरमेंट के अंदर रहेंगे वो वैसे ही उनके अंदर जो है लिंब स्ट्रक्चर डिवेलप हो जाएंगे। अगर वो एरियल होंगे तो उनके अंदर क्या हो जाएंगे, विंग्स लग जाएंगे, फ्लाइंग के लिए विंग्स प्रेजेंट होंगे, या फिर किसी के अंदर क्लोज प्रेजेंट होंगे, किसी के अंदर पिलर लाइक जो है लेग्स प्रेजेंट होंगी। तो ऐसे डाइवर्स लिंब स्ट्रक्चर्स होंगे एंड मोड ऑफ फीडिंग भी क्या होगी इनकी, डाइवर्स होगी। तो ये हो गया यहाँ तक अडेप्टिव रेडिएशंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे मेटाथेरियंस के बारे में। तो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।